तो हंग महाराज से सिंह विष्णु भगवान दी जय। संसार वासियों, वीरों, भैनों, बुजुर्गों, ये जकारा परमात्मा ने अपना पूरा नाम 3976 युगों बाद बख्शिश किया है। इस तो पहले पिछले चार युग के हालात देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिस विच 3 पैगंबर, 10 गुरु साहबान, 23 अवतार आए। उन्होंने सानू समझाने वास्ते अपने परमात्मा के बख्शे हुए नाम भी दिते और उन्होंने ग्रंथ, वेद, शास्त्र, कुरान, जील, बाइबल भी लिखाया, पर असी उन्हां पर कोई अमल नहीं किया, उन्हां पर नहीं चल सके, तो अज साडी ये हालत हुई है। उन्होंने कहा कि परमात्मा हर एक इंसान के अंदर है, पर असी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चा नूं बड़े मत्थे टेकने हैं और इंसान भी अज देखो किस तरह पिटाई कर रहे हैं, कतल कर रहे हैं, सारा ही उसके उल्ट हो गया है। इस सारिया गल्लां नूं देखते हुए गुरुआं, अवतारां, पैगंबरां ने हाथ खड़े कर दिते ते परमात्मा नूं मात लोग दे विच आउणा पै गया। गोविंद आया नाल लियाया हर करतार, हुण आण के उन्हें अपना सब तो सौखा मार्ग दस दिता कि सारिया नूं भैण भरा समझना, एक नूं छड के सारिया भैणा, और ब्याह शादी 1 रुपए नाल करना, अंतिम समय हड्डियां नहीं चकनियां, हरदार नहीं जाना, शराब, बारती, चुपारी कुछ नहीं करनी, खान पीन मीट, शराब, सिगर, तंबाकू पान, चाय भी नहीं पीनी, सब तो सादा सिंपल करैक्टर, ये चीज़ा दस दें। पर जे अज भी नहीं अं इनू मान रहे तो वीरों इस तू सौखा मार्ग कदे नहीं आना। हुण असी ये देखिए कि माया दित्ती बहुती, रब दित्ता भला। अज तुहानू सानू गरीब आदमी कोई मिलता नहीं है, क्यों? गरीब वही है जिहड़ा आलसी है, जिहड़ा काम नहीं करना चाहता, जिहड़ा शर्म करता है, वरना हर एक आदमी अज के जमाने में जिहड़े जम्मू कश्मीर तो बाहर तो आए ने, कनेडा बनिया भाई, वो सुबह 9 बजे तो लै गए 5 बजे तक काम करते हैं, 2 बजे चाय मट्ठी भी मिलती है 2 बार और 500 रुपया भी मिलता है, बाकी लोग रेहड़ियाँ ला के अपना काम कर रहे हैं, कोई गरीब लगता नहीं है। जेड़े वेलियाँ खाते ने वो वफादार भी नहीं होंगे। जेड़े गुरुआ पीर ने कहा है अपने 10 उंगलियों की कमाई, 2 हाथों की कमाई करते हैं, वो ही एक अच्छे इंसान होंगे ने और वफादार होंगे ने। घूमत ने बहुत सारे लोगों विकार बना दिता है, जिन्हों छोटिया छोटिया फैसलिटियां बड़िया दे दी, घर बैठिया ही राशन फ्री मिल रहा है, काम काज कोई हो नहीं, मकान बना के देंगे ने, उन्हें को भाई काम दियो, कोई रुजगार दियो, वो काम करना तो चल। असी पिछे भी देखा है, हुण एक नवी चीज़ है कि रिफ्यूजी दे बनाया जा रहा है। रिफ्यूजी कहते किनों ने भाई, जेड़े सन 65-47-71 में अपना घर बार छोड़ गए, पाकिस्तान के नाल लड़ाई के कारण आए ने, वो हमेशा वास्ते वो एरिया पाकिस्तान चला गया, वो तो रिफ्यूजी ने, उन्होंने सब कुछ बर्बाद हो गया। पर जेड़े कश्मीर विचों कश्मीरी पंडित या दूसरे आए ने, उन्होंने बाग, घर, सब कुछ उत्थे, वो भी रिफ्यूजी होंगे ने। तो सानू डिफरेंस करना चाहिए है कि रिफ्यूजी किनू कहते हैं। फिर जी रिफ्यूजियों जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ही गंदा कानून है, जिहड़े 1947 के मुसलमान वीर चले गए ने, उन्हां दियां मालकियां जमीन अज भी उन्हां दियां ने, जिहड़ियां सांभला के तों आए हुए रजौरी पुंछ तों ने लोग ने, उन्हां नूं लाट होईआं ने। ते हुण मोदी जी पैसा जिहड़ा है, जिहड़ा 6,000 रुपया साल का देना है, वो उन्हां नूं देणगे जिहड़े मालक ने, लाटियां नूं लोभ नहीं मिलेगा। और लाट करने विच भी गवर्नमेंट ने पता नहीं किस किस्म के नियम बनाते हैं। जेड़े शंभला के लोग आए सन, लोहार, पठान, नाई, धोबी, घुमार, सारे जमीन दे दियाँ, पर फौजियों नहीं दतिया, क्यों? ये फौज नौकरी करते हैं। हूँ भी हुकूमत जेड़े मुलाजम ने या फौजी ने, अगर उन्होंने पेंशन मिलती है या उन्होंने इनकम होती है, लेकिन वह भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वह भी फसल बीजते हैं, उन्होंने भी फसल भी मर जाती है, उन्होंने कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अलग अलग के रूल नहीं होने चाहिए, सारे वास्ते एक जो होना, किया जा
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਓ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 200-300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ, 40-50 ਮੱਝਾਂ ਗਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਭੈਂਸ ਜਾਂ ਗਾਏ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 17 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਦੇਖੋ 40-45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 17 ਦੇ ਬਜਾਏ 25-30 ਰੁਪਏ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹੋ, 30 ਰੁਪਏ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੁਣ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।